चक्रधरपुर विधानसभा क्षेत्र में विधायक सुखराम उराव की अनुशंसा से स्वीकृत दो पीसीसी पथ का आज हुआ शिलान्यास। नमस्कार, आप देख रहे हैं ब्रेकिंग न्यूज चक्रधरपुर। जिला परिषद सदस्य मीना जोंकोम, मुखिया विधायक प्रतिनिधि पीरू हेम्ब्रम ने संयुक्त रूप से किया शिलान्यास। और अब खबर विस्तार से। चक्रधरपुर विधानसभा क्षेत्र में आज दो पीसीसी पथ का शिलान्यास हुआ। विधिवत पूजा अर्चना कर और शिलापट्ट का अनावरण कर कार्य का शुभारंभ और शिलापट्ट का अनावरण कर कार्य का शुभारंभ हुआ। जिला परिषद सदस्य समेत मुखिया और विधायक प्रतिनिधि संयुक्त रूप से मिलकर किए शिलान्यास। जिला परिषद सदस्य मीना जोंको ने कहा, क्षेत्र में विकास कार्य लगातार जारी है और विधायक सुखराम उराव के द्वारा भी लगातार समस्या के समाधान की दिशा में कार्य हो रहा है। मुखिया कैरी बोदरा ने भी कहा कि उनकी पंचायत में विधायक सुखराम उराव के प्रयास से कार्य हो रहा है। चाहे सिंचाई के क्षेत्र की बात हो या सड़क की बात हो, सभी क्षेत्र में कार्य जारी है। विधायक प्रतिनिधि पीरू हेम्ब्रम ने कहा, विधायक सुखराम उराव के द्वारा क्षेत्र का विकास के लिए कई महत्वपूर्ण योजनाओं की स्वीकृति दिलाई गई है। इन योजनाओं का हुआ शिलान्यास। रांची मुख्य पथ से अनुमंडल कार्यालय होते हुए जोगेन मुंडा के घर तक 360 फीट पीसीसी पथ, बुरुनलिता में टोला कुदापी से मोहनलाल डांगिल के घर से बासुलाल के घर तक 330 मीटर पीसीसी पथ। मौके पर जिला परिषद मीना जोंको, मुखिया कैरी बोदरा, मुखिया सेलाय बोदरा, विधायक प्रतिनिधि पीरू हेम्ब्रम आदि मौजूद रहे। अब आइए देखते हैं जिला परिषद सदस्य मीना जोंको और मुखिया कैरी बोदरा ने क्या कुछ कहा। पीसीसी से संबंधित, नाली से संबंधित, चेकडैम से संबंधित कोई भी काम बहुत तेज गति में चल रही है। मैं भी बहुत खुश हूँ क्योंकि मेरे क्षेत्र में भी बहुत बढ़िया चल रहा, चाहे ग्रामीण क्षेत्र हो चाहे शहरी क्षेत्र, बहुत बढ़िया ही काम चल रहा है। और मेरा एक रिक्वेस्ट है संवेदक से कि जो भी है गुणवत्तापूर्वक बनना चाहिए सड़क, ऐसा ना हो कि ग्रामीण से सुनने को मिले। काम बढ़िया से होना चाहिए। मैडम, आप मुखिया हैं, आपका क्षेत्र में आज काम शुरू हुआ। पहले तो मैं माननीय विधायक जी और हमारे सांसद जी सबको मैं सैदिल से जुहार करती हूँ क्योंकि मेरे पंचायत में आज जो पीसीसी सड़क के निर्माण हुआ है, उद्घाटन हुआ है, उसमें हमारे असंतलीय पंचायत में जो मेन क्या बोलते हैं रांची रोड से हमारे डुंगरी तले जो रोड बन रही है उसमें ग्रामीणों को बहुत सारी लाभ अच्छे मिलेगी और अभी बरसात ही पहुंच रही है। और विधायक जी को मैं बहुत बहुत धन्यवाद देती हूँ, ऐसे ही हमारे क्षेत्र में ग्रामीण काम होते रहे।